जैसे बताया कि फाइन बढ़ाए गए हैं, एफआईआर का जो प्रोसेस है वो सिंपल किया गया है, ई एफआईआर का इसमें प्रोसेस लगाया गया है, विक्टिम प्रोटेक्शन के बारे में है, जीरो एफआईआर और ई एफआईआर। जीरो एफआईआर के बारे में बताना चाहता हूँ। जीरो एफआईआर आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन पहले जीरो एफआईआर शब्द कानून में नहीं था। जीरो एफआईआर का मतलब है कि अगर कोई भी पीड़ित है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाता है और वो जो घटना स्थल है वो पुलिस स्टेशन के हद में नहीं आता है, फिर भी वो पीड़ित वहाँ पर आया है, खास करके जो 7 साल से ज़्यादा के गुने होते हैं, तो वो पुलिस स्टेशन को वो एफआईआर दाखिल करनी पड़ेगी और फिर उसको जिस भी पुलिस स्टेशन में वो एक्चुअल में वो घटनास्थल आता है उसको वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अभी उसका प्रावधान नए कानून में दिया गया है, जब भी कोई पीड़ित पुलिस स्टेशन में जाएगा, घटनास्थल बताएगा, तो अगर वो घटनास्थल उसके पुलिस स्टेशन में नहीं आएगा तो वो हमारे जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें जीरो नंबर का एफआईआर दाखिल करेगा, पूरा माहिती उसमें लिखेगा और फिर उसमें वहाँ पे ट्रांसफ़र करने का एक ऑप्शन है, वो ट्रांसफ़र करेगा, फिर नया जो पुलिस स्टेशन में जाएगा, नया पुलिस स्टेशन उसका तपास करेगा, जो पीड़ित है उसको बुलाएगा, उससे बातचीत करेगा और आगे की कार्रवाई वो करेगा। तो जीरो एफआईआर और ई एफआईआर, ये जो दो नई चीज़ें हैं वो नए कानून में लाई गई हैं। और जो भी पीड़ित है, बहुत बार ऐसा होता है कि पीड़ित का बयान लिया जाता है, फिर पीड़ित जब कोर्ट में जाता है, क्योंकि कोर्ट की साख 3 साल बाद 4 साल बाद होती है, तो वो बहुत बार अपना बयान ही भूल जाता है और बयान अलग दे आता है, और इस वजह से जो आरोपी होता है उसको फ़ायदा मिलता है। इसमें कंपलसरी किया गया है कि जो पीड़ित है उसका बयान का ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा और वो ई साक्ष ऐप में क्लाउड सर्वर में रहेगा और वो बयान कोर्ट के पास में रहेगा और उसी प्रकार का बयान पीड़ित को कोर्ट में जाके भी देना है। तो ये जो पीड़ित है, पहले तो अगर अपना बयान वो भूल जाता है उसके काम में आएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी वजह से, डर की वजह से या पैसे की लालच की वजह से या फिर किसी और रिश्तेदारी की वजह से वो ये सोचता है कि मैं एक बार गुनाह दाखिल करवा लूँ और बाद में कोर्ट में जाके पलट जाऊँ, तो ये बयान उसके सामने रहेगा जो बताएगा कि 3 साल पहले आपने ये बयान दिया था, तो ये उसको पलटने से रोकेगा और अगर फिर भी वो पलटता है तो कोर्ट उस पर कार्रवाई कर सकता है। और साथ में ही अगर पीड़ित को ये लगता है कि भाई मैंने तो बयान दे दिया है ऑडियो विजुअल, फिर भी उसको कोई डरा रहा है, धमका रहा है या पैसे का लालच दे रहा है, तो वो अपना बयान तो पलट नहीं सकता, लेकिन विक्टिम प्रोटेक्शन के अंडर, विटनेस प्रोटेक्शन के अंडर, वो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उससे मदद जरूर मांग सकता है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें जो बदलाव किया गया है, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो रिकॉर्ड है इनको नए तरीके से प्रावधान दिया गया है। अभी तक जो पेपर रिकॉर्ड होते थे उनको ही महत्वपूर्ण माना जाता था और साथ में जो डिजिटल रिकॉर्ड है, खास करके जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना तक बढ़ गई है, सीसीटीवी का आपका पुरावा है, आपका मोबाइल फ़ोन का पुरावा है, आपका क्लाउड में जो डेटा स्टोर होता है उसका पुरावा है, जो आपका वाईफाई के लॉग से वो पुरावा है, इसी प्रकार से बहुत सारे पुरावे हैं, जैसे डेटा जो अपना व्हाट्सएप पे डेटा आता है, दूसरे ऐप पे डेटा आता है, इनक्रिप्ट हो जाता है, अलग अलग कोड में बदल जाता है, वो सब डेटा को कैसे कोर्ट में हाजिर करना है, उन सब के बारे में नए प्रावधान नए कानून में दिए गए। और जो वो जो एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, उनको कैसे सही साबित करना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे लोग अलग अलग कागज, मैंने देखा है कि कब किसी को कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लाके दे देते हैं और वो स्क्रीनशॉट लाके देने के बाद फिर वो चार्जशीट में चला जाता है, बाद में कोर्ट बोलता है कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये स्क्रीनशॉट तो कोई भी बना सकता है, घर बैठे बैठे भी बनाया जा सकता है, ऊपर से नाम लिख सकते हैं, मोबाइल लिख सकते हैं और वैसा का वैसा स्क्रीनशॉट बन जाएगा, एडोब फोटोशॉप से बन जाएगा। तो वो डिजिटल एविडेंस को कैसे कोर्ट में पेश करना है और किस प्रकार से वो सजा लगाने में मदद करेगा, उसके बारे में नए प्रावधान नए कानून में दिए गए हैं।